नमस्कार, MSTV में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। कच्चे तेल की चाल सुधरते ही रुपए में भी सुधार दिख रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे मजबूत होकर 67.63 पर बंद हुआ है। कल रुपया 29 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन आज रुपए की ओपनिंग रिकवरी के साथ हुई थी। इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 2.75% तक कमजोर हो चुका है। एशिया की दूसरी करेंसियों के मुकाबले सबसे ज्यादा गिरावट रुपए में ही आई है। शेयर बाजार और क्रूड में खरीदारी लौटने से रुपया भी संभल गया है। सोना चांदी के व्यापारियों की मांग में गिरावट और वैश्विक बाजार से मिल रहे कमजोर संकेतों को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत में एक बार फिर गिरावट हुई है। सोना 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 250 रुपए की गिरावट के साथ 26,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारत सुधारों को आगे बढ़ाकर और जिम्मेदारी भरी आर्थिक योजनाओं के साथ वैश्विक नरमी का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है। जेटली ने अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के भारत के संभावित उपायों पर अपना दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ ये बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि चीन और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में बनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती को साबित करेगी। जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों को कड़ा संदेश देते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि बैंकों से काफी मात्रा में कर्ज ले रखी बड़ी कंपनियों को बेहतर आचरण करना चाहिए और गंभीर रूप से कर्ज में डूबे होने के बावजूद जन्मदिन की बड़ी बड़ी पार्टियों जैसे फिजूल खर्च से बचना चाहिए। सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट से पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहा जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।